नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर करीम ब्लॉक में और मेरे साथ मौजूद हैं अर्ज़ बल्दिस्तान का एक नौजवान जो अर्ज़ बल्दिस्तान से इतनी तवील मुसाफत के बाद यहाँ पर आए हैं और अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया है। आइए उनसे ख़ुद जानते हैं उनकी अपनी कहानी, उनको ये कैसे ख्याल आया। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे आप अपना गुड नेम बता दीजिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद निशाद है। मोहम्मद दिलशाद आपका नाम है। दिलशाद, आप मुझे ये बता दो कि कब से ये आप कारोबार कर रहे हैं और कहाँ से सीखा आपने ये? तकरीबन मेरा 7-8 साल हो गया इस रेस्टोरेंट लाइन में आके, तो मैंने ये लाहौर में ही काम सीखा है, तो अल्लाह के करम से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। नाशाद, आप मुझे ये बता दो कि तालीम को छोड़कर आपने कैसे चॉइस किया कि मुझे कारोबार करना चाहिए, कैसे ख्याल आया आपको? मैंने एफ ए करने के बाद 2-3 जगहों पर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे जगह नहीं मिला, तो उधर मतलब सिफारिश की ज़रूरत था या तो फिर क्या कहते हैं उसका चल रहा था ना, तो फिर मैंने ये सोचा मैं हमारे लिए जगह नहीं बनना, तो मैंने छोड़ के इस लेन में आ गया। अल्लाह के करम में आज मैं इधर अपना काम स्टार्ट कर किया हुआ बस। अर्शद, आप मुझे ये बता दे क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर बना रहे हो लाहौर में? लाहौर में है चाइनीज़ के सारे फूड है, मतलब चिकन चिली फ्राई हो गया, मंचूरियन हो गया, शाशलिक हो गया, इस तरह के कैशनेट हो गया, और हमारा स्पेशल चिकन है यमी डिलाइट स्पेशल चिकन, तो इस तरह की चीज़ें हैं, सूप वगैरह, ड्रमस्टिक है, चौमियन वगैरह सब कुछ है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें आपकी रोज़ाना की जो अर्निंग है वो कितनी है इस ढाबे से? बस अल्लाह के करम से है कोई तकरीबन 20-22 तक है। 20-22 हज़ार आप रोज़ाना का कमाते हैं, तो आप मुझे ये बता दें कि यहाँ के जो कस्टमर आते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड किस चीज़ पर होती है, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? वो मतलब टेस्ट पर डिपेंड करते हैं, जब एक बंदा जो ना एक कस्टमर आता है तो फिर हमने उसको टेस्टी बना के दिया तो वो ज़रूर वापस हमारे पास आता है ज़रूर। अच्छा, यानी कि एक कस्टमर आ जाए वो दोबारा ज़रूर आ जाएगा। और आप हमारे नाज़रीन को भी बता दें कि आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है और क्या क्या चीज़ें आप ऑफ़र कर रहे हैं? हमारा एग्जैक्टली ये करीम ब्लॉक फूड स्ट्रीट, मेन फूड स्ट्रीट के सामने हमारा ये ढाबा लगा हुआ है, तो नाज़रीन आए एक बार ट्राई करके देखें, बस यही नाज़रीन को यही कहना है एक बार आके। अर्ज़ बल्दिस्तान में आप देखेंगे तो लाखों नौजवान हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और वो बेरोज़गार बैठे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको भी ऐसा करना चाहिए, मतलब इस तरह के कुछ आगे बढ़ के या इस तरह कुछ काम करना चाहिए जो अपने लिए फ़ायदा हो सके, इस तरह के रेस्टोरेंट में आके या कहीं और जॉब करके अपना फ्यूचर बनाना चाहिए बस। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? मेरा हुआ कि तकरीबन 8 साल हो गया मैं रेस्टोरेंट में हूँ। आप रेस्टोरेंट लाइन में आए और 8 साल हुए आप ये ढाबा चला रहे हैं, और आपके साथ कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? इस वक्त मेरे पास है 3 लोग हैं, दो मुलाजिम रखे हुए, एक में 3 हो गए। ये जो ढाबा आपने लगाया है इसका कितना रेंट आप मंथली पे करते हैं? रक्षा तो जाती मेरा अपना है, जगह का रेंट देता हूँ 12,000 रुपये। अगर आप मुझे ये बता दें, फ़र्ज़ कर लें इस कारोबार की जगह में आप जॉब कर लेते हैं या आप फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, इवन गवर्नमेंट की कोई जॉब कर ले, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ज़्यादा आपको अर्निंग हो जाती? मैंने सोचा था ना, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं क्या कहते हैं एफ ए क्लियर करने के बाद मैंने 3-4 जगहों पर मैंने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया, उसमें हमारे लिए जगह नहीं बना, उधर रिश्वत चलता था या सिफारिश चलता था, वो हमारे पास मतलब अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा यार इधर आके कुछ अपना फ्यूचर के लिए कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। हाँ, तो मैंने अल्लाह के करम से आज इस आके अल्लाह का शुक्र है बस ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये है नाज़रीन जो अर्ज़ बल्दिस्तान से एक तालिबे इल्म जो एफ ए करने के बाद लाहौर में आए और उन्होंने अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया और वो रोज़ाना के बेस पे तकरीबन 20,000 रुपये कमा रहा है। तो ये नौजवान उन नौजवानों के लिए एक आला मिसाल है जो जिनके पास बहुत डिग्रियाँ तो है और वो इल्म तो वो रखते हैं मगर उनके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, वो गवर्नमेंट के इदारों पे दरवाज़े खटखटा कर तंग आ चुके हैं, तो उनके लिए एक आला मिसाल है कि आएँ और अपना ख़ुद अपना ज़ाती कारोबार करें, डिपेंड ना हो किसी के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा रुझान है। अर्ज़ बल्दिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मार्केट में तकरीबन 6 स्टूडेंट्स मुझे मिले जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, यानी कि फूड स्ट्रीट का कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो फूड स्ट्रीट है वो बहुत रुझान में है, तो अर्ज़ बल्दिस्तान के जो लोग हैं वो जो शाहीन हैं वो भी इस तरफ रुझान रखते हैं, लाहौर में आ रहे हैं और अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं और अपनी ज़ाती कारोबार से अपनी इनकम कर रहे हैं। मुझे दीजिएगा आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।